जी को और भाईपो को माफ करना चाहिए क्या? आज सारे देश में बंगाल की बदनामी हुई, सारे देश के अंदर हुई, दुनिया के अंदर हुई। अमेरिका से मेरे दोस्त आए, फोन किया, उन्होंने बंगाली है, वो बोले हम माफी चाहते हैं। नड्डा जी से बोलना, कैलाश भाई आप तो बंगाल के जवई हो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नड्डा जी के ऊपर पत्थर फेंका हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? बंगाल की जनता बर्दाश्त करेगी क्या? क्या ममता जी ने इस प्रकार पथराव करके बंगाल का मान बढ़ाया है क्या? पूरी दुनिया के अंदर बंगाल को बदनाम करने का काम किया है तो ममता जी ने किया है। मित्रों, कि इस प्रदेश में प्रजातंत्र रहना चाहिए या नहीं, इस प्रदेश में हिंसा की राजनीति होना चाहिए या नहीं, क्या आप सब इस बात से सहमत है क्या कि प्रदेश में शांति चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए? बताइए, हिंसा चाहिए क्या? हिंसा चाहिए क्या? दोनों हाथ ऊपर उठा के बताइए कि बंगाल उनका ही है और किसी का है ही नहीं, उनका है और घुसपैठियों का। मोदी जी यहां आते हैं तो दीदी बोलती है बाहर के आदमी है। क्या बोलती है? क्या मोदी जी बाहर के आदमी हैं? बताइए जोर से, मोदी जी कहां के आदमी है? इस देश के नागरिक है कि नहीं मोदी जी? बंगाल के है कि नहीं मोदी जी? बोलिए, बंगाल के है कि नहीं मोदी जी? अब मोदी जी को बाहर के बोलती है, क्या ममता जी को बर्दाश्त करना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं। अमित शाह जी हटाई, जिन्होंने हमारे यहाँ के शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीए का बिल लाए, उसको बहस होना चाहिए, विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दो बार से प्रदेश की जनता ने ममता दीदी को आशीर्वाद दिया और क्या वादा किया था? सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला का वादा किया था ना? सोनार बांग्ला का वादा किया था कि नहीं किया था? क्या इस 10 साल में सोनार बांग्ला कहीं दिखाई देता है क्या? सोनार बांग्ला कहीं दिखाई देता है? दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो, कहीं सोनार बांग्ला दिखाई देता है? सोनार बांग्ला यदि कोई बनाएगा तो नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी।